हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है फिर से एक बार आपका विक्टूस मैथमेटिक्स चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो सिंपलीफिकेशन ट्रिक्स के ऊपर। तो सिंपलीफाई हम करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, जैसे भी फ्रैक्शन हो उसको हम सिंपलीफाई करते हैं यूजुअल मेथड से। तो उसको कैसे क्विकली हम कर सकते हैं उसके बेसिस पे मैं आपके लिए ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो ये आपको किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में हेल्प कर सकता है, या फिर आपको जब थोड़ा सा फास्टली कुछ कैलकुलेशन करनी हो, MCQ हो गए जैसे, तो उस केस में आपके लिए ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलो देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सिंपलीफिकेशन ट्रिक के लिए मैं पहले ही एक बार ले लेती हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन। सपोज मैंने ले लिया 5 + 2/3। तो जनरली अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पूरा 5 को लिखेंगे 5/1 + 2/3, फिर इसका LCM लेंगे 1 और 3 का जो कि होता है 3, उसके बाद 1 के टेबल में 3 और फिर उसको मल्टीप्लाई किया, 3 के टेबल में 3 1s, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, तो प्रॉपर पूरा एलसीएम लेके ये हमारा आंसर निकला यहाँ पर 17/3। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में पूछा गया हो ये, तो फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 17 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, और सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बच गया। फिर इसको लिखने का तरीका हमारा होता है, क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो ये हमारा आंसर आता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद ये आंसर आया। अगर हम डायरेक्ट ट्रिक देखें तो डायरेक्ट ही जब इस तरह का क्वेश्चन हो प्लस के साथ, तो हम उसको लिख सकते हैं 5 जो सिंगल टर्म है मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर, और 2/3 एज अ फ्रैक्शन। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों आंसर्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी देखते हैं दूसरे ट्रिक। बाय चांस हमारे पास प्लस के बदले आ गया माइनस, तो सेम क्वेश्चन मैं लेती हूँ माइनस के साथ। सपोज अब हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसको दोस्तों 5 2/3 मत लिखना, यहाँ प्लस नहीं है, जब प्लस होगा तभी वैसे लिख सकते हैं। तो माइनस के केस में पहले मैं आपको यूजुअल मेथड करके दिखाऊंगी, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो हम इसको जब यूजुअल मेथड से करेंगे तो इट वुड बी 5/1 - 2/3, we will take LCM here, so it would be 15 - 2, and that is 13/3. So 13/3 को जब हम mixed fraction में करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 3 4s are 12, subtract किया 1, तो question है हमारा यहाँ पर 4, remainder 1 and divisor 3, so हमें मिल गया यहाँ पर 4 1/3। तो चलो अब देखते हैं short trick। तो short trick में आपको क्या करना है, जो ये होल नंबर है इससे जस्ट एक छोटा नंबर लेना है। तो 5 से छोटा नंबर क्या होता है, 4, तो लिख दिया 4, ये हमारा होल नंबर है। अब जो ये फ्रैक्शन है इनका डिफरेंस देखिए, ऐसा नहीं है कि 2 - 3 करना है, अब बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर लो, चाहे वो कहीं पे भी लिखा हो। तो माइनस करेंगे तो कितना आया 1, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहे, तो ये हमारा हो गया आंसर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। 5 जो यहाँ पर, ये माइनस के केस में, सिर्फ 5 जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, जरूरी नहीं है 5 ही हो, तो जो भी नंबर यहाँ लिखा है इससे जस्ट छोटा नंबर लेंगे हम यहाँ पर होल नंबर बनाने के लिए। और जो फ्रैक्शन है उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर रिमेंस सेम, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर माइनस के केस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट हेयर, ये तभी वैलिड है ये वाली ट्रिक, जब ये फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन गिवन है उसमें न्यूमरेटर जो है लेस देन है डिनोमिनेटर से, मींस न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तभी ये ट्रिक जो मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रिक जो भी, ये सब इसी केस में वैलिड है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो चलो आगे देखते हैं। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। क्वेश्चन है आपके लिए 7 + 3/5, इसका तो अभी तुरंत आंसर निकल भी गया होगा, ये 7 3/5 इसका हो जाएगा आंसर। और अब मैं आपको क्वेश्चन दूं, ओके 4 1/6, इसका आंसर बताएंगे, सॉरी जस्ट अ सेकंड, 4 माइनस है यहाँ पर, ठीक है, 4 - 1/6, तो इसका आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। डिनोमिनेटर रिमेन
तो ये इसका हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप इसको करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4/1 -1/6 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24 -1 जो कि होता है 23/6। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 23/6। अब इसको आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो देख लिया जाएगा, या फिर मैं इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म पे करके दिखा देती हूँ जो हमारा आंसर आया था ऊपर 3/5/6 को अगर आप इस टर्म को फ्रैक्शन में करते हैं तो 3/6 = 18 और +5 23/6। देखो दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आशा करती हूँ इतना समझ आया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, प्लस वाला ही केस लेंगे बट दोनों मिक्स फ्रैक्शन के साथ लेंगे। तो जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया 3/5 +6/3/4, सपोज ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जनरली क्या करते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे 5 to 15 प्लस, ये मैं आपको जनरल मेथड दिखा रही हूँ। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, फिर 24 + 3 27/4, फिर इनका हमने एलसीएम लिया, फिर 17/4 = 68 प्लस, फिर इसको 27/5 किया तो 5/7 = 35 और 3/13, फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख रहे हैं 17 की टेबल आई, 27 की टेबल आई। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी वास्ट होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब मेथड में कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लग जाता है, चलो कोई नहीं देखते हैं इस मेथड से, फिर मैं आपको थोड़ी इजी कैलकुलेशन वाला भी बताऊँ। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 135 और 68 को तो आपको मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 203/20 ये मिल गया। अब मैं आपको अपनी ट्रिक से दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो करना क्या है, जो होल नंबर है 3 और 6 इन दोनों को एक साथ लिख दो और जो फ्रैक्शन है उसको एक साथ लिख दो इस तरह, 6 + 3 होता है या 3 + 6 आप कह लो तो ये होता है 9। और इस फ्रैक्शन को आपको खोलना बड़ा आसान है क्योंकि सिंपल टर्म्स के साथ है। तो 5 × 4 = 20, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई आपके लिए, और ये आ गया हमारा 9/23/20। तो यही हमारा आंसर है, अगर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 9/20 = 180 और +23 जब आप करेंगे 180 + 23 तो आपको यही मिलेगा 203/20। तो यही आंसर मिलेगा जो कि सेम है बिल्कुल। तो आई थिंक ये ट्रिक आपको इजी लगी होगी, होल नंबर्स को एक साथ ऐड कर दो, फ्रैक्शंस को एक साथ ऐड कर दो, तो यहाँ पर कैलकुलेशन इजी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 17, 27 बड़े नंबर आ गए थे, यहाँ 2, 3 तो छोटे नंबर है, इसको क्विकली हम सेकंड्स में हमें सबको पता होती है 2, 3 की टेबल, तो हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज इस तरह का एक क्वेश्चन, भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा। 2/3/4 + 1/7, ठीक है ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलो इसके जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या आंसर आएगा इसका, तो आप ही क्या होगा। चलो देखते हैं, टू अब मैं ट्रिक के साथ करूंगी इसीलिए, हाँ 2 + 1 एक साथ लिख दिया और फ्रैक्शन को एक साथ लिख दिया। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है, वरना ये इस समय इतना समय नहीं लगेगा। 2 + 1 = 3 = 28, 7 × 3 = 21, यहाँ सिर्फ एलसीएम लिया है 4, यह आ गया 3/25/28, ये हो गया हमारा इसका आंसर। फ्रैक्शन में पूछा जाए तो आपको आता ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर ऐड करते हैं डिनोमिनेटर पे भी से। तो फ्रैक्शन के फॉर्म पे अगर पूछेंगे 23 × 28 × 3 + 25, ये न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर 28 रह जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया है सपोज 13 - 2 = 7। चलो ये ले लेते हैं इस तरह से, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर करना क्या है, 2/2/7 आपको ध्यान होगा, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया था आपको उस क्वेश्चन पे ले जाती हूँ। यहाँ पर 5 + 2/3 5/2/3 का, तो 5/2/3 क्या है, बेसिकली हमारा 5 + 2/3 है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप देखते हैं जो मैंने अभी आपको दिया, 2/2/7 को क्या मैं ये कह सकती हूँ कि
जो ये 2 upon 7 है, ये 2 plus 2 upon 7 है, राइट कह सकते हैं, है ना। तो अब इसी को इसी तरह से लिख के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, 13 माइनस अब ये 2 plus 2 upon 7। अब आपको पता है किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के टर्म्स का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस टू और ये भी माइनस 2 upon 7। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इन साइड द ब्रैकेट साइन वुड चेंज फॉर ऑल ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। तो जो भी टर्म्स होंगे सबका साइन चेंज होगा, और यहाँ पर हम देखें 13 minus 2 वुड बी 11 minus 2 upon 7, ठीक है। अब ये माइनस वाली वही ट्रिक आ गई, ध्यान है आपको मैंने माइनस की किस में ट्रिक बताई थी, है ना। तो 11 का जस्ट एक छोटा नंबर लेंगे 10, दोनों का डिफरेंस लेंगे 5 और डिनोमिनेटर से ये हो गया हमारा यहाँ पर इसका आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ है और इजी भी लगा होगा, राइट, क्योंकि 13 माइनस 2 करना बहुत आसान है और फिर सीधे हमें ट्रिक लगानी है। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व ना करके, एलसीएम ना लेकर, हमने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे करके और डायरेक्ट उसमें एक ट्रिक लगा दी, ठीक है। तो ये आपका काफी समय सेव करेगा। देखते हैं एक नया क्वेश्चन, थोड़ी सी और टर्म्स लिखते हैं। तो आप क्वेश्चन मैंने लिया 4 2 upon 3 ओके प्लस 6 1 upon 4 माइनस 7 1 upon 7 प्लस 3 1 upon 2, इस तरह से आ जाए तो क्या करें, वही करना है, होल नंबर को एक साथ लिखो, 4 plus 6, यहाँ माइनस है दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, 7 plus 3, ये एक साथ लिखिए और फ्रैक्शन को एक साथ लिखिए, 2 upon 3 plus 1 upon 4 minus 1 upon 7 plus 1 upon 2। फ्रैक्शन हमने एक साथ लिखी और होल नंबर हमने एक साथ लिखी। अब इसको सॉल्व करना आसान है, 6 plus 4 10 10 minus 7 3 3 plus 3 6, तो यहाँ से आ गया हमें 6। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं, तो आप एलसीएम पे ले सकते हैं या जो भी मेथड आपको इजी लगता है। एक मेथड है एलसीएम लेने का, दूसरा है कि आप ओरली चेक कर सकते हैं कि कौन सा डिनोमिनेटर हम कर सकते हैं कि जो सब में सेम बन जाए, जो सबके टेबल में आता हो। तो अगर आप 3 की टेबल चेक करें, ये प्राइम नंबर है, 3 की में जाएगा। 7 चेक करें तो ये भी प्राइम नंबर है, तो 3 और 7 तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब आप 2 और 4 को अगर आप देखें तो 2 2 4, तो 2 तो 4 के अंदर ही आ गया, तो 4 भी लेना पड़ेगा। तो ये हमें बेसिकली 3 multiply 7 multiply 4, ये 84 हमें डिनोमिनेटर लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली 84 अगर हमें इसे बनाना है, तो यहाँ 3 ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, बचा 7 into 4, तो 7 into 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, ठीक है। इसको किया 28 to the 56 और ये हो गया 84, डिनोमिनेटर आप सीधे 84 लिख सकते हैं। अब यहाँ है 4, तो 4 को छोड़ दीजिए, बचा 3 into 7, 21 upon 84 माइनस, अब 7 को छोड़ दीजिए, 3 4 12, 84 plus 2। अब आपको सिर्फ 2 छोड़ना है, तो इसको 2 into 2 लिख देंगे, 3 7 और 2 लेके चलेंगे, 3 7 21 और 21 2 40, 42 upon 84। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आसानी से ऐड हो सकते हैं, 56 plus 21 हो जाएगा हमारा 77, 77 plus 42, ये हमारा हो जाएगा 77 plus 2, कर लो पहले 42 का 79, और फिर इसमें आप 79 में आप 40 ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 119। इसमें से आप 12 हटा दो, तो 19 में से 12 हटाएंगे तो मिल जाएगा हमें 7, तो 107 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो 6 ये कैलकुलेशन थी, 107 upon 84, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में को सॉल्व करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 611 upon 84, जो कि इसका है आंसर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, फिर उनका एलसीएम लेंगे, तो वहां पर कैलकुलेशन और भी टफ हो जाएगी। तो ऑलवेज इट वुड बी बेटर तो आप होल नंबर्स को सेपरेट कर दो, फ्रैक्शन को सेपरेट कर दो, यहाँ कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है, क्योंकि जब आप मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट यहीं पर ही अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे, तो यहीं से ही आपकी जो है कैलकुलेशन टफ होनी शुरू हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको इतना क्लियर हुआ होगा और थोड़ा बेटर भी लगा होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैंने क्वेश्चन ले लिया सपोज इस तरह से, 1000
माइनस 7 4 अपॉन 9, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ध्यान होगा अगर। 7 4 अपॉन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 4 अपॉन 9। तो इसको लिखते हैं जल्दी से, अंदर का खोल देंगे। अब 1000 माइनस 7 आप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और फिर उसमें हम लगा देंगे ट्रिक। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ कितना आएगा, इतने में आपको यहाँ पर ये करके दिखा दूंगी। तो आप यहाँ पर बोरो लेंगे, हो जाएगा 9 9 9, हो जाएगा 0, 993 आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 993, मैंने आपको करके दिखाया जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैंने आपको ट्रिक बताई कि इस केस में इस नंबर का छोटा नंबर, इनका डिफरेंस और डिनोमिनेटर सेम, ये हमारा इसका हो गया यहाँ पर आंसर। एक और देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक और नंबर एड ऑन कर दूं तो आपको घबराना नहीं है, इसको भी इसके साथ ही लेके चल देंगे, क्योंकि ये भी एक होल नंबर ही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें घबराना नहीं है, यहाँ पर ही लेके चलेंगे। तो इसमें 10 ऐड कर देना और फिर वो ट्रिक लगा देना, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको करेंगे तो 993 प्लस 10 आपको मिलेगा इस केस में 1003 माइनस 4 अपॉन 9। अब इसमें आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, 1003 से छोटा 1002, 5 अपॉन 9। तो ये हमें इसका मिल जाएगा यहाँ पर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज मैंने अब क्वेश्चन लिया, इसको कैसे करेंगे जरा कमेंट बॉक्स में करके बताएं तुरंत ही। ओके, जो मुझे लगता है कुछ लोगों ने जो है इसको ऐसे लिख दिया होगा, राइट, जैसे मैंने ट्रिक बताई। ऐसे नहीं लिखना दोस्तों, क्यों नहीं लिखना, मैंने बताया था जो भी मैट्रिक्स बता रही हूँ वो किस केस में है, जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। बट इस केस में अगर आप देखें तो नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, ये नहीं लगाना। क्या करना है इस केस में आपको, आप 5 को थोड़ा खोल दो, ठीक है। 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख दो, देखिए। अब इसको इसके साथ करेंगे जिससे कि हमें जो है नोमिनेटर छोटा बन जाए, बस हमारा मोटिव है नोमिनेटर छोटा बनाना, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट अपने यूजुअल मेथड से भी कर सकते हैं, बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उस केस में आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, जब नोमिनेटर बड़ा आए तो ऐसे नहीं करना, उस केस में आपको ध्यान रखना है। तो अब 4 प्लस, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ बच जाएगा -1/5, क्योंकि 6 बड़ा है। अब इसमें डायरेक्ट आप ट्रिक लगा सकते हैं, 4 से छोटा 3, इनका डिफरेंस 4/5। तो ये इसका होगा एक्चुअल आंसर, 19/5 आप कह सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ है, अगर नोमिनेटर छोटा आएगा तो क्या करना है, आप वही ट्रिक लगानी है जो बताई थी। बड़ा आएगा तो ऐसे सेपरेट करो होल नंबर को, थोड़ा सा सेपरेट कर दो किसी भी फॉर्म पे, जिससे कि नोमिनेटर जो है वो छोटा बन जाए, और फिर आप वही ट्रिक अपना सकते हैं। बाय चांस अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, सपोज मैंने दे दिया 1 minus 1/3, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इसका आंसर तुरंत। 1 plus 1/3 तो इजी है, 1 1/3, बट 1 minus 1/3 को कैसे लिखेंगे, 1 से छोटा क्या होगा, ये 0 होगा, राइट। तो 1 से छोटा 0, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। अब इनका डिफरेंस देखेंगे 2/3, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ है, कहीं पे फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।